वो मुश्किल हालात हैं जिसमें हमें काम करना पड़ रहा है। शादियों में आप जा रहे हैं, बहन की, कज़न की, फ्रेंड की शादी है, तो अच्छा रीजनेबल क्लासी जो है ना लहंगा, साड़ी, इस तरह की चीज़ें, आप वेडिंग सीजन क्योंकि अभी आ गया है तो आपको क्या बनाना चाहिए? लाहौर सेंटर में बहुत ही बदतमीज दुकानदार एक दो मुझे मिले जो बहुत फजूल में फ्री हो रहे थे। हाँ, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल है, ये वाला 25,000 में। दुपट्टा, दुपट्टा भी इसके साथ? दुपट्टा इसमें सिंपल प्लेन यूज हुआ है, आगे किरण लगी हुई है। सीधा है या नहीं? नहीं सीधा नहीं है ये। हाय एवरीवन, वेलकम टू आउटस्टाइल। मैं एक बार फिर हूँ लाहौर में और अब सर्दी आने वाली है। अभी तो शॉल से काम चल रहा है लेकिन आई थिंक कुछ ही दिनों में ज़रूरत पड़ जाएगी हमें विंटर वेयर की। पहले आएंगे ज़रा गर्म कपड़े, उसके बाद फिर बहुत गर्म कपड़े। पंजाब में तो बहुत सर्दी पड़ती है, कराची इज़ क्वाइट वेयरेबल, लेकिन ये कि कौन सा फैब्रिक है जो आपको सर्दियों में पहनना चाहिए? मुझे सिर्फ एक दो तीन नाम पता है, वुलन, लिनन, वेलवेट, बस मेरी वोकैबलरी वहीं ख़त्म है। आप भी शायद मेरी तरह हों कि आप बस जाके दुकान में दुकानदार से पूछते हैं कि भाई सर्दियों में क्या चल रहा है, दिखाएं। हालांकि बेस्ट शॉपर्स वो होता है जिसको खुद पता हो कि मुझे क्या चाहिए, और जब वो शॉप पे जाए तो वो कहे जी मुझे ये कपड़ा निकाल के दे, मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन हर साल आई फील के फैब्रिक में इतनी ज़्यादा चॉइस आ जाती है, नए नए नाम आ जाते हैं और कुछ पुराने रिवैम्प होके नाम चेंज कर देते हैं। तो वन मस्ट नो विंटर स्टफ में क्या है, घरेलू भी और पार्टी वाले सब हम बात करेंगे उस पर। मुझे कोई नॉलेज नहीं, दुकानदारों को मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैं कहती हूँ मुझे कोई एक्सपर्ट बताए ताकि मैं जाके दुकानदारों को कहूँ कि मुझे ये फैब्रिक चाहिए। तो यू शुड नो व्हाट्स इन द मार्केट। तो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, समबडी हु अंडरस्टैंड्स क्लॉथ, कपड़ा। हाय हाय हाय, मेरे बड़े प्यारे प्यारे कपड़े इन्होंने डिज़ाइन किए हैं और जो मुझे समझ में नहीं आता वो भी डिज़ाइन किए हैं इन्होंने कि यार ये कैसे बना, इसको बना दो पता नहीं क्या। तो मरियम गुल बसरा इज विद मी। हाय मरियम। मरियम ने टाइम निकाला, कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं तो रश में फंस गई थी, लाहौर सेंटर नहीं मुझे मिल रहा था। पर ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो चले आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। स्विस कॉटन, अच्छा इट्स नॉट अ ब्रांडेड वीडियो, मैं रैंडम शॉप में मैं और मरियम घुस रहे हैं। किया है ये सर्दियों का, देखिए स्टफ है, इसमें सेल्फ का ये देखिए इन्होंने प्रिंटेड किया हुआ है सेल्फ में। इस पे आई थिंक कुछ अब लेस भी अगर ऐड ऑन कर लेंगे और शर्ट भी बनाएंगे कुछ पाइपिंग, और जिस तरह जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, सिंपल है। सबसे पहले नाम ये इसका है जी, ये सिल्क है, ये सिल्क है, क्या कहते हैं, सेल्फ एम्बोस। हाँ जी हाँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं बताऊँ क्या, जो जैकेट टाइप कपड़ा होता है ना जिसमें पीछे धागा धागा होता है, मुझे चुभता है और ये मुझे पसंद नहीं है। आई पर्सनली डोंट लाइक। ये वाला आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये देखो ये वाला बहुत नरम, ये देखो ना, ये वाला बहुत नरम है, ये वाला देखो, ये सिल्क में डॉट्स हैं और ये देखिए इसमें, नहीं नहीं दुकानी फैब्रिक अच्छा नहीं है, हमारे कपड़े के लिए लोग मरते हैं, हर कपड़ा एक दुकान में अच्छा नहीं हो सकता। लाहौर सेंटर में बहुत ही बदतमीज दुकानदार एक दो मुझे मिले जो बहुत फजूल में फ्री हो रहे थे कि जी लेडीज हैं, आर्टिस्ट हैं, तो हम इनके साथ वीडियो बनाएं, पिक्चर्स बनाएं। तो मैं तो वहाँ से आ गई, तो वहाँ नहीं हम वीडियो बना रहे, ना वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ होती हैं आर्टिस्ट और जो भी हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी भी दुकानदार या शॉप के ओनर को राइट नहीं है कि वो ज़्यादा फ्री हो या बदतमीज़ हो, या उनका राइट है कि मैं फ़ीमेल हूँ, मैं फ़िल्म कर रही हूँ, तो मेरा राइट, उनका राइट है कि वो मेरे साथ पिक्चर बनाए या वीडियो बनाए। तो फैसल को बहुत गुस्सा आया लेकिन मैंने कहा चलें यहाँ से, हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वी आर नॉट इन लाहौर सेंटर एनी मोर। मैं आपको शॉप दिखाई थी, बहुत बदतमीज़ थे वहाँ भाई साहब। तो अब हम लिबर्टी आ गए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डिसेंट पीपल हियर। ओ हो, कितना प्यारा गरेन शो है, ये कॉपी है लेकिन, हाँ ये कॉपी है, ये ओरिजिनल है, तुम्हें क्या लगता है मरियम? विंटर्स में इस वक्त कौन सा फैब्रिक चल रहा है, व्हाट इज़ इन, इनके नाम क्या हैं, क्योंकि हर सीज़न में फैब्रिक चेंज हो जाता है या फैब्रिक रिवैम्प हो जाता है, नाम होते हैं, तो आपको पता हो जब आप स्टोर पे जाएं तो दुकानदार ना आपको बताए कि आपको क्या लेना चाहिए, आप दुकानदार को बताएं कि मुझे ये चाहिए। हम आपको एजुकेट करेंगे आज की वीडियो आउट स्टाइल में। सब्सक्राइब टू माई चैनल। और लिबर्टी के जूते मैंने सुना तबाही हैं, वैसे मुझे ग्रीन वाला चाहिए एकदम ना, मैं कभी कभी व्लॉगर बन जाती हूँ फिर मैं बीवी बन जाती हूँ ना नखरे वाली। प्लीज़ आ जाएँ। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बहुत प्यारेस्ट है ये, इस तरह के अच्छे लोग भी तो होते हैं। कितने अच्छे हैं, अभी हम गए थे लाहौर सेंटर, वहाँ बहुत बदतमीज़ दुकानदार एक दो मिले, वेरी रूड, तो मैंने कहा भी चले यहाँ से हम लिबर्टी चलते हैं।
आई जस्ट लव दिस। मरियम मुझे ये लेना है, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है फैसल, ये जो उसके साथ ये टच है, आई डोंट लाइक दिस। अरे ये बहुत प्यारा है, इसको आप लहंगा भी बना सकते हैं, इसको इवन के गाउन में, कोई भी फ्रॉक में भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप प्लेन डालें, इसकी साड़ी कितनी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है साड़ी। गाउन यूज होगा, इसकी साड़ी यूज होगी, हाँ। इसका लहंगा होगा, स्कर्ट्स होगी, आपकी पसंद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा इसमें ये वाला भी, ये वाला पे, हाँ ये वाला निकालें अपना। अच्छा इसके भी, इस फैब्रिक के बहुत आए हुए हैं आजकल लहंगे, हम आपको अभी हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि शादी में, शादियों में आप जा रहे हैं, बहन की, कज़न की, फ्रेंड की शादी है, तो अच्छा रीजनेबल क्लासी जो है ना लहंगा, साड़ी, इस तरह की चीज़ें, आप वेडिंग सीज़न क्योंकि अभी आ गया है, तो आपको क्या बनाना चाहिए शादियों पे? इन्होंने रॉ सिल्क इंडियन पे किया हुआ है, पहले उन्होंने प्रिंटिंग करवा के फिर ऊपर ये कढ़ाई का किया हुआ है। इसको आप लहंगा भी बना सकते हैं, शर्ट्स में भी जा सकता है, अगर आप इसके साथ शॉर्ट शर्ट पहन के बूट कट ट्राउजर्स भी प्लेन में पहने तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें ये वाला कितना अच्छा है, इसको आप लहंगा भी बना सकते हैं, इसको आप शर्ट भी बना सकते हैं, लॉन्ग शर्ट भी पहन सकते हैं, शॉर्ट शर्ट भी पहन सकते हैं, फिर इसके साथ आप ट्राउज़र बूट कट बना लें, सिगरेट पैंट्स बना लें, कुछ भी। इसका लहंगा तो बहुत लेकिन अच्छा शर्ट में आप मोटा मोटा नहीं लगेगा, तो शर्ट इसके साथ भाई क्या बनती है? शर्ट अभी इसके अंदर बनती है, सिंपल प्लेन भी बनती है, ये इसी की मैचिंग भी होती है जो हमसे मोस्टली कस्टमर लेके जाते हैं ये चीज़। अच्छा ये शर्ट है जी, ये शर्ट होती है इसमें नादिया ये कर सकते हैं ना, हम फ्रंट ये कर दें, स्लीव्स या बैक हम वो कर दें, लाइट करने के लिए हम इसको फ्रंट बैक तो नहीं बनाएंगे, जो आप कह रही हैं बहुत मोटा हो जाएगा, हम इसकी बैक प्लेन लगाएंगे, बाजू आपकी मर्जी, आप ये स्लीव्स लगा लें या प्लेन लगा लें, सिंपल रख लें बाजू। और ये कितने का बनता है ये लहंगा, चोली, दुपट्टा? दुपट्टा क्या होगा इसका? दुपट्टा इसमें कस्टमर चॉइसेस पे करते हैं, कोई शिफॉन कर लेता है, कोई नेट कर लेता है, कोई ऑर्गेंजा कर लेता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर अपने हिसाब से करते हैं। कितने में बना है भाई टोटल ये वाला? जिसकी कॉस्ट जो है ना ये वाला 25,000 में। दुपट्टा, दुपट्टा भी इसके साथ? दुपट्टा इसमें सिंपल प्लेन यूज हुआ है, आगे किरण लगी हुई है। इसका लहंगा बनेगा तकरीबन आपका 12,500। अरे मुझे प्यारा सा चुनरी का ड्रेस चाहिए बस, डालने का ये ना कैन कैन है, ये लहंगों के नीचे लगाई जाती है, इसका क्या बताना है? और मेहंदी में आइडियल, मेरा तो मोस्ट फेवरेट ऑल टाइम इज चुनरी, और लाहौर में जो चुनरी की वेरिएशन है वो कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, तो सर प्राइसेस बताइएगा और कलर्स और लेटेस्ट प्राइस आप और रेंज बता दें आपकी क्या चल रही है ये चुनरी में आप ये और मैं सब ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे शौक है, कोई बात नहीं, इतनी शादियों पर नहीं जाती लेकिन फोटोज तो बना सकती हूँ जी, दिखाइएगा। ये आपको मिल जाएगा 13,500। मुनासिब ये आपको 12 का मिल जाएगा क्योंकि ये प्योर कपड़ा है, प्योर फैब्रिक है, ये प्योर चुनरी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चीज ना आपको इसी शॉप से मिलेगी। ये कितने का सूट पड़ेगा? ये 12,000 का प्योर। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं ये देखिए, गोटे का ज्यादा, ये डल है, दिस इज लाइक डल, बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा है। ये वाला आपको मिलेगा 5,500 का और ये वाला आपको मिलेगा 8,300 का प्योर से। ये ऑरेंज किस तरह आप दे रहे हैं? ये 12,000 का और इसका दुपट्टा भी है, इसका दुपट्टे पे भी सारा वर्क हुआ हुआ है, फोर साइडेड बॉर्डर बना हुआ है। दुपट्टा कौन सा? ये नादिया, ये इसका, ये दुपट्टा है, फोर साइडेड बॉर्डर पैक कर दें। सुने ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कितने का होगा? ये 14,000 रुपीस का, ये टू पीस होता है, शर्ट और दुपट्टा। ये देखो ना इन्होंने ऊपर चुनरी के ऊपर गोटे का किया हुआ है ना, उसकी वजह से कलर अच्छा लग रहा है ना। आप देखिए मेरे पे ये ऑरेंज ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये पिंक?
बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। पर इसमें ये है कि जिस तरह नॉर्मली ये होता है कि जब आप ये देखिए जिस तरह धागे और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको आप ऊपर फिनिशिंग कर देंगे ना तो ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी और फिर और ज़्यादा ग्रेस देगा। और फिर ये है कि जिस तरह आप कह रही थी ना कि मुझे ये ज़्यादा हैवी कुछ थोड़ा सा लग रहा है, तो फिर अपनी मर्ज़ी होती है, आप गोटे को कम भी कर सकते हैं। भाई ये कितने का है? ये आपको मिलेगा 8,000 डॉलर्स। ये मैं फैब्रिक लूँगी, जो भी जोड़े वो मरियम इसको डिज़ाइन करके खूबसूरत सा बना के मुझे देंगी, फिर मैं आपको पहन के बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लग रहा है, कलर्स आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती हैं आपने क्या लेने। सीधा है या नहीं? नहीं सीधा नहीं है ये। नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ जब ये हो सकता है, मैं बता रही हूँ जो वो वाले होते हैं ना जो आप सिराजी में डिस्कस कर रही थी, ये देखो ऑनलाइन में जो आती है। हाँ समझ आ रही है, आप फ्रेश पीस मिले। ये डिस्टरबेंस होती है आपको, हम अल्हम्दुलिल्लाह मारू, ये काम फर्क है नहीं? हाँ ये बहुत ज्यादा काम है फर्क है। ये देखो ना ये चीजें कुछ होती है, ये लाइट्स और ये वो सब कुछ ऐड ऑन होते हैं, देख रहे हैं ना? है क्या क्या है ये? जब उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है ना, उसके ऊपर गोटे लगाने के लिए डिजाइन हमें करना पड़ता है। हाँ ये देखो ये बनारसी की शर्ट है और ये इसके साथ दुपट्टा और प्लेन ट्राउजर कितना अच्छा बन के लगेगा। 16,000 का बता रहे हैं, तो वो तो आपको पता है हर स्टोर की डिफरेंट प्राइस होती है और जितनी बार्गेनिंग करते हैं उतना ही काम कम होता है। और लिबर्टी में ख़ास तौर पे मुझे लगता है बार्गेनिंग की तैयारी करके ही आनी चाहिए या तो आप सुबह के टाइम आएँ जब बिस्मिल्ला का टाइम होता है इनका, और या रात में आएँ जब ये बिल्कुल इनका वो जैसे होता है ना सारे दिन की मेहनत से ये थके होते हैं और फिर ये दे देते हैं, वरना सारा दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रवीण बॉबी स्टाइल चेक करें बेल्ट करने के लिए बेल्ट बनाएंगे। हाँ मैं से लग यही रहा है ये मैं आपको बताऊँ इसका क्या बनेगा। ये नॉर्मली होता ही है कि हम ये स्लीव्स के आगे इस तरह ये डिज़ाइन कर लेते हैं, कई दफ़ा ये नीचे वो घेरे पे लगा लेते हैं, इस तरह की चीज़ में होता है और ये कुछ भी एड ऑन भी इसमें हम कर। और ये कट दानी इसके ऊपर से है, ये पर्स का है, ये वो सेपरेट में भी होता है, ये बना बना ये देखिए ये खोल, ये थोड़ा सा खोले इसकी तो भाई साड़ी है ना। इसके साथ लोग लहंगा भी बनाते हैं, इन्होंने अपनी शॉप पे डिस्प्ले में भी लगाए हुए हैं इसके लहंगे बना के। मुझे मरियम ये साड़ी बनानी है, और ये कितने की भाई बन जाएगी? 35,000 का साड़ी। ये सिर्फ कपड़ा बता रहे हैं कि 35,000 का हम आपको कपड़ा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, डिजाइनर या टेलर जब भी हाँ। उसकी अलग फीस होगी। हाँ देखिए ये शर्ट है और दुपट्टा इसका दिखा, इसके नीचे लाइनिंग लगती है, ये इसकी बैक है, सेपरेट स्लीव्स दिखा दी है उन्होंने। ये देखिए ये आप दुपट्टों पे भी लगा सकते हैं और जैसे होता है घेरे पे भी लगा सकते हैं, ये अच्छा लगता है, ज़्यादातर तो लोग दुपट्टे पे ज़्यादा लगाते हैं। 350 रुपये का सिर्फ 350। ये वाइट लेसे हैं, ये आप किसी भी कलर में डाई करा सकते हैं, जिस तरह हम लोग काम करते हैं हमें भी हम वाइट लेके ही डाई करा रहे होते हैं, बहुत प्यारा लगता है दुपट्टा। हाँ ये दुपट्टों के आप कॉर्नर्स पे टसल्स लगाते हैं, शर्ट्स पे भी लगा लेते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। 450। ये क्या है? ये शर्ट है, इसकी मैक्सी एंड फ्रॉक वगैरह बनती हैं, ये आपको मिलेगी 7,500 में फुल शर्ट। और इसमें हम शर्ट भी लहंगा भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, लहंगा मैक्सी फ्रॉक सारा कुछ बनता है। आपका ये बनेगा 15,000 में।
गोल्ड कम हो, जिसमें गोल्ड कम हो, बन सकती है इसमें। इसकी अच्छी बात ये है कि इसको जो कहें ना वो दिखा भी अच्छी चीज़ देते हैं। पैसों के लिए भी देखना, स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा लग जाएगा। बहुत ज़्यादा बनाए हैं लहंगा इसका बना, लेकिन ये बहुत अकड़ा हुआ कपड़ा है। ये शेफून पे दिखाता है, ये अकड़ा हुआ दिखाएं, ऐसा इसमें गोल्ड ना हो। आपके लिए फाइनली जो है ना 3,000 रुपये गज हो जाएगा, वैसे 3750 पर यार्ड दे रहा हूँ। शिफॉन के ऊपर है, गोटे का काम हुआ हुआ है, और ये कलर भी नादिया तुम्हें अच्छा लग रहा है जिस तरह तुम्हें है कि मैंने गोटे का लेना है, तो ये आई थिंक फाइनल। इसके साथ सूट कैसा होगा भाई, सूट दिखाओ। मैम इसके साथ जरी का सूट बनता है, दिखाओ जरी। जरी कहाँ है जरी? ये इस तरह कैसे ये मैच कर रहा है इसके साथ? हाँ हाँ मैच कर रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है इतनी क्लासी कभी नहीं लगी, कैसी पिक्चर ले। ये दिलवा दो डिस्काउंट में, तुम तो आती रहती हो, इस पे मेरा दिल आ गया। हाँ ये हम करते हैं, ये हम करते हैं, ये पहनना है। हाय हाय, शादियाँ भी आ रही हैं, शादी भी आ रही है मेरे, चाहिए पांच ड्रेसेस। हाँ फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं हम लोग, मुनासिब वाला बता दे ताकि मैं उनको लेकर दे दूँ। और ये रेट आपको भी पता है, हर चीज का तेजी से बढ़ रहा है। इना दी दुकान दा नाम ते कट्टो जरा 65000 का दुपट्टा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये फाइनल बताइए कैसे देना है? 1200 बजी लगा दिया, इससे कम नहीं करना। वैसे भी इससे कम होता है 1200 से। ये बार्गेन कर रही है दुपट्टे पे, करे बार्गेन। ये वाला बॉर्डर आप कर लो, हाँ बीच में काम हो, क्योंकि बॉर्डर बहुत अच्छा, बॉर्डर बहुत प्यारा है इसमें। ये इतना मजे का इसलिए नहीं लग रहा बॉर्डर नहीं, तो वो कैसे बनेगा कि बॉर्डर उतना हो, अंदर कम काम हो और शेड ये हो। माई मुझे ये दुपट्टा चाहिए। ये शर्ट रोज़ इसके साथ प्लेन बना ले, प्लेन ही बना लो तो इसी का पूरा सूट कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, दो सलवार तो इसकी पहनते हैं। शर्ट इसी 4500 की बनेगी। आप कितने की? 4500। और आप जिस तरह कह रहे थे कि आप चाह रही हैं कि कम पैसों में क्या चीज़ बना सकते हैं, तो ये आप लेस लगा के, लेस का बॉर्डर करके, और बीच में इसी तरह लेसेस वाली दुकान पे इस तरह के फ्लावर से मिलते हैं, वो आप सारा कर लें और आपको। लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन जो इसकी आ रही है। लिबर्टी मार्केट में बड़ा मज़ा आ रहा है, कितनी रौनक है। मैं चाह रही हूँ अभी वीडियो बन जाए ऑन वेलवेट, लेकिन रश बहुत है, शोर बहुत है। फैसल कह रहे हैं मैं आया हूँ, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, तो समोसे खाए बगैर मैं नहीं जाऊँगा। मैंने आपको आंखों से पहचान लिया, आप डेप्लेक्स में आती थी। हाँ कैसे हैं? ये कह रही नहीं बोल रही है, मैंने बोला मैं आंखों से पहचान लूँ, आपके हस्बैंड को भी देख लिया। भाई ये क्या, ये सूट दिखाएं ब्लू, ये क्या है? अरे सॉरी आप खाना खा रहे हैं, प्लीज़ खाना खाए। ये इतना प्यारा कपड़ा है कि ये ना चिपक जाता है, ये शिफॉन की तरह उड़ा उड़ा नहीं रहता, ये बहुत अमेजिंग इसकी ग्रिप है। बताओ इस पे भी मेहनत है, ये 30,000 का कैसे हो सकता है दुपट्टा? कौन सा वाला? ये चीज के उनका हो सकता है, बिल्कुल कैसे, किस वजह से? हाँ हो सकता है उनका, मैं ऐसा बनवा दूंगी, चाहिए इसका मुझे, ये फैब्रिक में हाथ का चाहिए।
अब ना रिकॉर्ड करें ना, हमें संभालें अब, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत की है समोसे, आय हाय, ओहो, I want pakoras and the samosas. आपकी चाट क्या है? इतना मज़ा आया आज के व्लॉग में मरियम के साथ. मरियम ने जो डिस्काउंट करा के दिए ना मुझे ज्वेलरी की, मैं सोच नहीं सकती थी. मैंने कहा मैं रोती पिटती तब भी इतनी प्राइस कम नहीं होनी थी. अमेजिंग, थैंक यू सो मच मरियम. लाहौर आए मरियम ने, इतना अच्छा हमें घुमाया, फिर आया दूसरों को घुमा दिया, हमें फिर आया, और बड़ा अच्छा ब्लॉग बना, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, ज्वेलरी कपड़े. और आप कमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू मरियम, आपने एंजॉय किया? थैंक यू. हाँ मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है. हाँ ऐड चला दो स्प्राइट का. तो हम जो है सड़क के समोसे, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े इन्जॉय कर रहे हैं. सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल और कॉमेंट से बताएं कि मरियम के साथ अब नई वीडियो क्या होनी चाहिए. हाँ जी, सॉरी सॉरी, मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने हस्बैंड, जिनकी वजह से हर बंदे ने आके मेरे से, खातून ने मेरे से फ़ोटो बनाई है, हर किसी ने मैं पहचाना बिकॉज ऑफ यू. मेरा मास्क पहनने का मकसद ख़त्म हो गया. इनका नाम है फैसल राव. कैमरे के पीछे थे DOP हमारे फैसल राव. सलामकुम. हाँ हम थैंक यू कर रहे हैं. थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया. ऐसे उस समय मतलब वैसे ऐसे देख रही हैं मुझे. आ जाओ अब तो मैं इसके साथ फोटो बनाऊंगी, मैं जाने नहीं दूंगी. आओ मेरे साथ फोटो बनाओ, मैंने बनानी है. आओ जरा. मैं आपकी वजह से बहुत हैप्पी हूँ. थैंक यू सो मच. कि मैं घर में सारा दिन आपकी यूट्यूब पे, सारा दिन मेरी सारी जितनी भी मेरी एंड्रॉयड LEDs हैं, बेडरूम्स हैं, उन सब में आपकी मैं यूट्यूब लगा के फ्रेश होने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए आपकी तमाम ब्लॉग्स देखती हूँ. मैं हो सकता है कि आपको ना मरियम पकड़ ले और फिर मैं ज़बरदस्ती आपके साथ फ़ोटो बनाऊँ. तो इसलिए फ़ोटो बनाए बगैर आप नहीं जा सकती. मैं इंसिस्ट कर रही हूँ. नहीं प्यारी, आपका नाम? जी मेरा नाम आमिना है. आमना के साथ मैंने पिक्चर बनानी है. थैंक यू सो मच आमना. मतलब कि आप मुझे कहें तो मैं आपके कमेंट्स और आपको बहुत कुछ, मेरे पास आपका नंबर नहीं है. एक काम करो ना, 1,00,000 लोगों को एक सब्सक्राइब करा दो, बस मोहब्बत पूरी हो जाएगी. आए फोटो लेते हैं. बाय बाय. और आपको मैं कहूँगी बाय बाय, खुदा हाफिज़.